शोहर अपनी बीवी से, बेगम आज ऐसी चाय बनाओ जिसे पीकर मैं नाचने लगूं, घूमने लगूं, मस्त हो जाऊं। बीवी बोली, हमारे घर में भैंस का दूध आता है, नागिन का नहीं। बाबा जी फरमाते हैं कि पाकिस्तानी खवातीन को और कुछ याद रहे या ना रहे, मगर ये जरूर याद रहता है कि हमारी एक प्लेट ला के घर गई थी, एक अभी तक वापस नहीं आई। बाबा जी कहते हैं कि हम पाकिस्तानियों का कौमी तराना फारसी में, कानून अंग्रेजी में, जुबान उर्दू और मजहब अरबी, ड्रामे हमारे तुर्किश, फिल्में हिंदुस्तानी और ख्वाहिशात यूरोपी हैं। पाकिस्तानी वो कौम है जो चारपाई पर गहरी नींद में सोए बंदे को जगाकर कहते हैं, बेड पर हो जाएं, यहाँ नींद ठीक तरह से नहीं आती। पुलिस इंस्पेक्टर, खबर मिली है कि आपके घर में धमाका खेज मवाद मौजूद है। आदमी बोला, साहब जी इतला तो ठीक है मगर वो इस वक्त अपने मेके गई हुई है। बंदा जितना मर्जी नालायक हो, एंट्री उतारते वक्त डॉक्टर वाली फीलिंग आती है। एक दिन मालकिन अपनी नौकरानी से, तुम तो 3 दिन से काम पर नहीं आई और बताया भी नहीं। नौकरानी, मैंने फेसबुक पर स्टेटस अपलोड कर दिया था कि आई एम गोइंग टू गो फॉर 3 डेज और साहब जी ने कमेंट भी किया था, मिस यू रजिया। किसी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी मोहब्बत शादी से पहले करनी चाहिए या शादी के बाद। बाबा जी ने इरशाद फरमाया, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मोहब्बत शादी से पहले हो या फिर बाद में, लेकिन एक बात ख्याल रखें कि आपकी बीवी को इसका पता नहीं चलना चाहिए। वीडियो देखने का शुक्रिया। लाइक कीजिए हमारा पेज एन टीवी उर्दू, और वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।